हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू योर चैनल इन दिस वीडियो वी आर प्रोवाइडिंग यू फिफ्टी क्वेश्चन ऑफ जी के एंड इंग्लिश और बायो के क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं पार्ट वन में तो इसमें सिर्फ जी के फिफ्टी क्वेश्चन हैं और इसमें एक्सप्लेनेशन पोर्शन हमने इतना इंक्लूड नहीं करा ताकि वीडियो शॉर्ट हो और फिफ्टी क्वेश्चन के लिए वीडियो एक घंटे तक ना खींचे तो आपको क्या करना है ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है उसके बाद इंग्लिश बायो और जी के तीनों सेक्शन के जो भी मार्क्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आर टूडेज वीडियो लेट्स मूव ऑन टू आवर जीके पोर्शन एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द ओशनी क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलीका एंड डैश इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि जो ओशनी क्रस्ट होता है वो सिलिका और किस एलिमेंट uh, से बना होता है सो द ऑप्शन आर एज फॉलो ए मैग्नीशियम बी आयरन सी मैगनीज और डी सल्फर सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज योर मैग्नीशियम तो जो ओशनी क्रस्ट होता है वो बनता है सीमा से तो एस si आई हो जाएगा इसमें सिलिका और एम ए हो जाएगा इसमें मैग्नीशियम और जो हमारा आ, क्या बोल सकते हैं कोंटिनेंटल मास होता है वो बनता है सियाल से एस आई ए एल ये तो हमारा ओशनिक हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉन्टीनेंटल तो ओशनिक बनता है सीमा से दैट इज़ योर सिलिका एंड मैग्नीशियम एंड कॉन्टीनेंटल बनता है सियाल से दैट इज़ योर सिलिका एंड एल्यूमीनियम नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एथ स्कड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकलूड डैश लैंग्वेज तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो हमारा एट्थ स्कड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कितने लैंग्वेजेस uh, का मेंशन है ठीक है सो द ऑप्शंस आर एज फॉलो ए ट्वेंटी टू बी ट्वेंटी फाइव सी टू और डी हंड्रेड सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ योर ट्वेंटी टू तो जो एज स्कीड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें बाईस लैंग्वेजेस के बारे में मैंशन किया है और कितने टोटल स्कीड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो ट्वेल्थ स्कीड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज़ द लाहौल वैली लोकेटेड एंड द ऑप्शन आर एज फॉलो ए जम्मू एंड कश्मीर बी सिक्किम सी हिमाचल प्रदेश एंड डी उत्तराखंड जल्दी से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो फिर मैं आंसर बताती हूँ सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एक मिनट हाँ सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज योर हिमाचल प्रदेश तो लाहौल वैली किस स्टेट में लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में गाइज इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी क्योंकि फिर प्रीवियस वीडियो की तरह ही ये वीडियो भी लंबी चली जाएगी और इसमें भी पचास क्वेश्चन है तो मैंने चाहती ये वीडियो भी एक घंटे तक चले तो इसलिए मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही दूँगी एंड करेक्ट आंसर बताऊँगी और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा या कुछ एक्स्ट्रा जानना होगा तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेर विल बी द ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स फीफा वर्ल्ड कप भी हेल्ड तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज uh, होने वाला है सो द ऑप्शन आर एज फॉलो ए कैनेडा बी मैक्सिको सी अमेरिका एंड डी ऑल ऑफ द अबव सो दैक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव तो 2026 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ कहाँ पे होने वाला है कैनेडा मैक्सिको एंड अमेरिका में नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कौन से डेट को सेलिब्रेट करते हैं सो द ऑप्शन आर एज फॉलो ए ट्वेंटी फर्स्ट मार्च बी एट मार्च सी फर्स्ट जुलाई और डी एलेवेन्थ जुलाई सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 11 जुलाई तो so 11 जुलाई को हम क्या बनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ लोकेटेड नियर तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो स्टैचू ऑफ़ यूनिटी है वो किसके पास लोकेटेड uh, है सो द ऑप्शन आर एज फॉलो ए सरदार सरोवर डैम बी भाकरा नागल डैम सी हीराकुंड डैम एंड डी टिहरी डैम सो so the करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ सरदार सरोवर डैम तो इंडियन स्टैचू ऑफ़ यूनिटी कहाँ पे लोकेटेड है किसके नियर बाई लोकेटेड है सर सरदार सरोवर डैम के ठीक है और ये जो स्टैचू ऑफ़ यूनिटी है वो किसकी बनी हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ठीक है और ये क्या थे हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिया के और जो ये स्टैचू है वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैंडिंग स्टैचू है जिसकी हाइट कितनी है वन मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु द फॉलोइंग नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवे तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसे बोलता है सो द आर फॉलो ए लॉर्ड डिलह बी लॉर्ड रिपन सी महात्मा गांधी और डी एम विश्ववरैया सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डेल तो लॉर्ड डेल को क्या बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन रेलवे और हमारे फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे जॉन मथाई एम ए टी एच ए आई और लॉन्गेस्ट रेल कम सी यू एम कम रोड ब्रिज कौन सा है इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज कौन है इंडिया का उसका नाम है बोगी बिल ब्रिज और वो किस रिवर के ऊपर है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है ठीक है फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है या फिर आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड कौन सा है तो गोरखपुर को बोलते हैं गोरखपुर इज़ द होम टू लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड ठीक है world, और जो कि कितनी लेंथ है उसकी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी थ्री फीट ये लेंथ तो पता नहीं होनी चाहिए बट नाम पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है तो गोरखपुर नाम है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वच इज द ओल्डेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया तो इस क्वेश्चन में आपको ओल्डेस्ट रेलवे जोन का नाम बताना है सो द ऑप्शन आर एस फॉलो ए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन बी ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन सी साउथन रेलवे जोन और डी नन ऑफ दीज सो दैक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज साउथर्न रेलवे जोन तो साउथर्न रेलवे जोन फर्स्ट जोन है जो फॉर्म हुआ था इंडिया में इसी लिए इसको ओल्डेस्ट रेलवे जोन भी बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट फीमेल लोको पाइलट दैट इज़ योर ट्रेन ड्राइवर ऑफ इंडियन रेलवेज इन इंडिया इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि भारत की ऐसी पहली महिला कौन है जो एज ए ट्रेन ड्राइवर उन्होंने लाइक like, वर्क uh, किया है इंडियन रेलवे में ठीक है तो फर्स्ट इंडियन ट्रेन ड्राइवर का आपको नाम बताना है सो द ऑप्शंस आर एस फॉलो ए राजश्री सचदेव बी भवानी कुमारी सी ऋतु चौहान और डी सुरेखा शंकर यादव सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सुरेखा शंकर यादव तो सुरेखा शंकर यादव फर्स्ट फीमेल लोको पायलट ड्राइवर है इंडियन रेलवे की नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस डैम ऑफ इंडिया तो आपको इस क्वेश्चन में टॉलेस्ट डैम का नाम बताना है सो द ऑप्शन आर एस फॉलो ए इंदिरा सागर डैम बी टिहरी डैम सी डैम और डी कोयना डैम सो बी टिहरी डैम तो टिहरी डैम क्या है टॉलेस डैम है इंडिया का कहाँ पे है उत्तराखंड में है और कौन से रिवर पे सिचुएटेड है ये टिहरी डैम ये है भागीरथी रिवर पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज अहोम ट्राइब्स इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो अहोम ट्राइब्स हैं वो कौन से पार्ट ऑफ इंडिया में मिलते हैं सो द ऑप्शन आर एस फॉलो ए असम बी आंध्र प्रदेश सी मध्य प्रदेश और डी झारखंड सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आसाम नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2020 तो इसमें आपको 2020 के वर्ल्ड वाटर डे की थीम बतानी है सो द ऑप्शन आर एज फॉलो ए वाटर एंड वर्ल्ड क्लीन बी वाटर एंड पोल्यूशन चेंज सी वाटर एंड सेंट्रल कैश और डी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज तो वाटर एंड क्लाइमेट चेंज कौन सी ईयर की थीम है 2020 की और 2021 की थीम क्या है वैल्यूइंग वाटर और वर्ल्ड वाटर डे बनाते कब है तो ये बनाते हैं 22 मार्च में नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज and the options are as follow a russia b vatican city c brazil or d canada so the correct answer is option b that is vatican city so vatican city is smallest country in the world ki and it is located in the city of rome uh, which is in italy and it is also known as holy

कि uh, जो इंडियन इंडिया India का इलेक्शन कमिश्नर है वो किस आर्टिकल में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सो द ऑप्शंस आर एज फॉलो ए आर्टिकल 320, बी आर्टिकल 324, सी आर्टिकल 224 और डी आर्टिकल 124. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर तो इलेक्शन कमिश्नर कहाँ पे मेंशन है आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर में और इनके ऑफिस ऑफ टर्म कितने ईयर्स के लिए होते हैं सिक्स ईयर्स के लिए या फिर सिक्सटी फाइव एज तक वो ऑफिस में रह सकते हैं और वो रेजिग्नेशन किसको देते हैं प्रेजिडेंट को देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल दे रीज द एज ऑफ इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो कौन से एज तक वो ऑफिस को होल्ड करके रखते हैं सो द ऑप्शन आर एज फॉलो ए फिफ्टी एट ईयर्स बी सिक्सटी ईयर्स सी सिक्सटी फाइव ईयर्स और डी देर इज नो अपर एज लिमिट सो करेक्ट आंसर इज एक मिनट हाँ सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट इज 65 फाइव ईयर्स तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट के जज है कौन से एज में रिटायर हो जाते हैं 65 फाइव ईयर्स ऑफ एज में रिटायरमेंट ले लेते हैं लेकिन हाई कोर्ट के जज कौन से ईयर तक लाइक uh, like, रिटायरमेंट लेते सिक्सटी टू तो ये हाई कोर्ट का है और सिक्सटी फाइव uh, कौन से कोर्ट का है सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट अमेरिकन प्रेजिडेंट टू विजिट इंडिया इज and the options are as follow first dd eisenhower b jimmy carter c george washington or d ronald reagan and the correct answer is option number a that is dd eisenhower our next question is which one of the following countries is the largest producer of uranium in the world So the options are as follow A Kazakhstan B Canada C Australia or D France So the correct answer is ऑप्शन नंबर ए कज़ाकिस्तान तो कजाकिस्तान क्या है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका यूरानियम का नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रेवल इन स्पेस सो द ऑप्शन आर एज फॉलो इसमें ना आपको मैन uh, का बताना है कि फर्स्ट इंडियन मैन कौन था जो स्पेस में ट्रेवल किया था ओके okay? सो द ऑप्शंस आर एज फॉलो ए राकेश शर्मा बी रवीश मल्होत्रा सी कल्पना चावला और डी शेख मुजफ्फर शुकर सो द करेक्ट आंसर ये तो सबको ही पता होगा ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा तो राकेश शर्मा कौन थे फर्स्ट इंडियन मेल एस्ट्रोनॉट थे टू ट्रैवल इन स्पेस और फीमेल में कौन हो जाएंगे कल्पना चावला नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अ नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सो द ऑप्शन आर एज फॉलो ए यू एस ए बी यू के सी पाकिस्तान और डी इंडिया एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ यू के तो यूके एक ऐसी कंट्री है जिसका क्या है नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं गया है कहीं पर भी Our next question is international women's day is observed on which of the following dates and the options are as follow a 18 april b 27 september c 15 may or d 8 march and the correct answer is option number d दैट इज एट मार्च तो इंटरनेशनल वुमेन डे कौन से डे को बनाया जाता है एट मार्च को और ट्वेंटी ट्वेंटी वन का थीम क्या था इंटरनेशनल वुमेन डे का चूज टू चैलेंज नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेड क्वार्टर ऑफ आसियान इज लोकेटेड एट एंड द ऑप्शन आर एस फॉलो ए मनीला बी जखार्ता सी ख्वालामपुर और डी बैंकॉक

एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज सिक्स मंथ तो दो सेशन के बीच में कितना गैप हो सकता है मैक्सिमम सिक्स मंथ का दैट मीन्स पार्लियामेंट को जो पार्लियामेंट का जो मीटअप होता है वो एक साल में कितनी बार होगा टू टाइम्स होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉटरफॉल विक्टोरिया इज असोसिएटेड विद द रिवर एंड द ऑप्शन आर एज फॉलो ए जम्बीजी रिवर बी एमेजोन सी सेंट लॉरेंस और डी मिजोरी and the correct answer is option number a that is zambezi river our next question is world refugee day is celebrated on and the options are as follow a 5 june b 8 june c 20 june or d 21st june and the correct answer is ऑप्शन नंबर सी दैट इज ट्वेंटी जून और वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो ट्वेंटी ट्वेंटी था उसका थीम था एवरी एक्शन काउंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज इंडिया फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर एंड ऑप्शंस आर ए शनमुखम चेट्टी बी के सी नयोगी C. John Mithai D. C. D. Deshmukh And the correct answer is option number A that is Shanmukham Chetty. Our next question is which planet in the solar system has highest den density and the options are as follow A. Earth B. Uranus C. Neptune or D. Jupiter

Option number B that is Assam. Our next question is Tom of Babur is located in which of the following places? And the options are as follow A Agra B Kabul C Kandhar or D Istanbul And the correct answer is option number B Kabul, which is in Afghanistan. अंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज़ ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ नवाब्स एंड द ऑप्शंस आर एज फॉलो ए मदराई बी लखनऊ सी ग्वालियर और डी बिजनौर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी लखनऊ तो लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब्स बोलते हैं और हैदराबाद को भी सिटी ऑफ नवाब्स बोलते हैं Our next question is, Kana National Park is situated in which of the following Indian state? And the options are as follow. A. Maharashtra B. Rajasthan C. West Bengal or D. Madhya Pradesh And the correct answer is... ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे मध्य प्रदेश में है एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश तो ये मध्य प्रदेश का क्या है लार्जेस्ट नेशनल पार्क है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द भाकर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि भाकरा डैम कौन से रिवर में कंस्ट्रक्ट हुआ है सो द ऑप्शन आर एस फॉलो ए रावी बी ताप्ती सी सतलज और डी डॉन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सतलज और ये जो भाकरा डैम है कहाँ पर हिमाचल प्रदेश में नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आर बी आई तो इस पर आपको ये बताना है कि पहला इंडियन गवर्नर कौन था वो भी कहाँ का आर बी आई का एंड द ऑप्शन आर आज फॉलो ए सर बेनेगल रामा राव बी एच आर लेंगर सी सी डी देशमुख और डी के जी अम्बेगांवकर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सी डी देशमुख तो सी डी देशमुख कौन थे इंडियन गवर्नर थे फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे आर के और लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन है आर के उनका नाम है सर बेनेगल रामा राव ये लॉन्गेस्ट आर गवर्नर है और शॉर्टेस्ट टाइम uh, के लिए कौन लाइक uh, सर्व like कर रहे थे एज अ गवर्नर इन आर उनका नाम है अमिताभ घोष नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज दीन बंधु दीन बंधु का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द पुअर ठीक है तो ये किसको बोलते हैं एंड द ऑप्शन आर एज फॉलो ए विनोबा भावे बी चित्रंजन दास सी सी एन अन्ना दुराई और डी सी एफ एंड्रूस और इसमें जो ये सी एफ है ना सी एफ का फुल फॉर्म है चार्ल्स फ्रीर एफ आर डबल ई आर तो इनमें से किसको दीन बंधु बोलते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सी एफ एंड रूस नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मलबरी सिल्क इन इंडिया एंड द ऑप्शन आर एज फॉलो ए कर्नाटका बी जम्मू एंड कश्मीर सी झारखंड और डी आसाम इसमें आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा मलबरी सिल्क कहाँ पे प्रोड्यूस होता है इंडिया में ओके एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज कर्नाटका नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल हाईवे सेवन इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया इट कनेक्ट्स तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो नेशनल हाईवे सेवन है वो कौन से दो पॉइंट को कनेक्ट करता है and the options are as follow. a. agra and mumbai. b. ambala and shipkila. c. delhi and lucknow. and d. varanasi and kanyakumari. and the correct answer is option number d. that is varanasi and kanyakumari. our next question is, simbax is a joint maritime exercise between india and which of the following country? इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो सिम्बैक्स है वो किन दो कंट्री के बीच में प्रैक्टिस होती है इंडिया का तो नाम दे रखा है और दूसरी कौन सी कंट्री है एंड द ऑप्शन आर एज फॉलो ए श्रीलंका बी म्यांमार सी जापान एंड डी सिंगापुर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज सिंगापुर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिटमेक्स इज अ ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश एंड डैश इसमें आपको ये बताना है कि जो सिटमैक्स है वो एक ट्रायल ले, लेटर लेवल एक्सरसाइज है मतलब तीन कंट्रियों के बीच में प्रैक्टिस होती है तो एक इंडिया का तो नाम दे रखा है बाकी दो कौन सी कंट्री है एंड द ऑप्शन आर एस फॉलो ए सिंगापुर थाईलैंड बी सऊदी अरेबिया एंड ताजिकस्तान सी श्रीलंका एंड तुर्कमेनिस्तान और डी स्विटरलैंड एंड तंजानिया अच्छा गाइस ये जो हमने इससे अभी सिटमैक्स देखा और इससे पहले क्या देखा था सिम्बैक्स तो ये दोनों एक्सरसाइज जो हैं काफी करंट में रही थी ठीक है तो ये दोनों पता होनी चाहिए कि किन के बीच में लाइक ये प्रैक्टिस होती है एक्सरसाइज तो अभी आपको सिटमैक्स बताना है किन तीन कंट्रियों के बीच में होती है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज सिंगापुर थाईलैंड सिटमेक्स किन तीन कंट्रियों के बीच में होती है इंडिया सिंगापुर एंड थाईलैंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द ऑथर ऑफ हुमायू नामा एंड द ऑप्शन आर एस फॉलो ए हुमायू बी गुलबदन बेगम सी बदौनी और डी अहमद यादगर एंड द करेक्ट आंसर इज आई होप आपने अटैम्प कर लिया वो क्वेश्चन So the correct answer is option B, that is Gulbadan Begum. Our next question is: What is the state bird of Telangana? And the options are as follow: A, Indian Roller; B, Greer Hornbill; C, Sarus Crane; D, Black Francolin. And the correct answer is option number A, that is Indian roller. Our next question is Which country has the longest range missile? Uh, so the options are as follow A, Japan, B, North Korea, C, Russia, or D, USA. And the correct answer is. i attempt karo question. Option number C, that is Russia. Our next question is.

और इनको प्रेसिडेंट बनने से पहले ही भारत रत्न अवॉर्ड मिल चुका था एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता टू इंग्लिश एंड द ऑप्शन आर एज फॉलो ए विलियम जोन्स बी चार्ल्स विल्कन्स सी अलेक्जेंडर कनिंगम और डी जॉन मार्शल एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स विल्कंस Our next question is: The first floating solar power plant in Uttar Pradesh is built on which of the following dams? And the options are as follow: A. Mata Tilab Dam, B. Rajghat Dam, C. Dhanrol Dam, or D. Rihan Dam. And the correct answer is option number D, Rihan Dam. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज इज गिवन फॉर लिटरेरी वर्क तो इसमें आपको ये बताना है नीचे कुछ अवार्ड्स के नाम दिए हैं तो इन अवार्ड्स में से कौन सा ऐसा अवार्ड है जो लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है सो द ऑप्शन आर एज फॉलो ए अर्जुना अवार्ड बी अशोका चक्र सी व्यास सम्मान और डी गीता चोपड़ा अवार्ड एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज व्यास सम्मान तो व्यास समान किस फील्ड में दिया जाता है लिटरेचर के फील्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इज़ ऑफ़ द द फॉलोइंग लार्जेस्ट एरिया ऑफ लिग्नाइट कोल इन इंडिया इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि लिग्नाइट कोल सबसे ज्यादा किस एरिया में पाया जाता है सो द ऑप्शन आर एज फॉलो ए सिंगरौली माकम सी कर्णपुरा और डी नेवली एंड द करेक्ट आंसर इज option number d that is Neveli in tamil nadu our next question is which of the following line is the border between poland and germany and the options are as follow a red cliff line b sigfried line c order line or d 17th parallel line and the correct answer is option number c that is order nest line our next question is which city is located on the banks of river Alaknanda and the options are as follow A Badrinath B Ayodhya C Allahabad or D Lucknow And the correct answer is option number A that is Badrinath Our next question is Kalinga war was fought in the air and the options are as follow A 1604 BC, B 261 BC, C 731 BC, or D 1113 BC. And the correct answer is option number B, that is 261 BC. Our next question is: Alps mountain range is located in which continent? And the options are as follow: A Europe. B North America, C South America or D Africa. And the correct answer is option number A that is Europe. थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इस वीडियो में मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं किया था बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि फ़िफ्टी क्वेश्चन की वीडियो फिर से एक घंटे से ज़्यादा में बने और आपको अब आप क्या करना है जो इसका पार्ट वन था जिसमें मैंने साइंस uh, और इंग्लिश पोर्शन इंक्लूड करा था और अब ये जी के पोर्शन भी आ गया है तो तीनों पोर्शन के मार्क्स uh, को आप ऐड करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताएंगे और uh, ये वीडियो आपको शेयर करना है और uh, शेयर करने के बाद इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना भी है थैंक यू सो मच गाइस